ये रखिए नॉर्मल हार्ट रेट, ये डिपर और ये इसका एक्स्ट्रा मोड। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आपको इस डायोड और इस बटन की मदद से बाइक की जो हेड रेट है इसको बढ़ाने का तरीका बताऊंगा, और साथ ही साथ बाइक में डिपर को हम इसी बटन और इसी डायोड की मदद से यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। ये बटन जो है ये आपको 40 से 50 रुपये का मिल जाता है ईजिली, कहीं से आपको 30 रुपये का मिल जाएगा जो कि इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग शॉप होती है, और ये आपको डायोड किसी भी इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग शॉप से आपको 10 रुपये का मिल जाएगा। आपने जस्ट कहना है कि हमें बाइक के लिए दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम फंक्शन क्या रखने वाले हैं ये आप गौर से सुनिए। देखिए फ्रेंड, जो इस तरह का ये बटन होता है ना ये बहुत ईजीली मिल जाता है इसको, ये देखिए। आज जो हम फंक्शन करेंगे ना वो क्या करेंगे कि जैसे ही हम इसको ये इस तरीके से प्रेस करेंगे तो हमारा डिपर चलेगा। ये देखिए इस तरीके से प्रेस किया डिपर चलेगा, और जैसे आप इसको ज़ोर से प्रेस करेंगे ना तो आपकी जो बाइक की हेडलाइट है, जैसे कि ये हेडलाइट है ये चलती है इंजन के कारण पे, तो जैसे आप इसको ज़ोर से प्रेस करेंगे ना तो आपकी जो हेडलाइट है ये चलेगी बैटरी पर, और इसकी जो ब्राइटनेस होगी वो डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी। अब ये आपने कब करना है, ये आपने मैक्सिमम 10 मिनट तक के लिए करना है, ठीक है। जैसे कि आप नॉर्मल किसी भी जगह में जा रहे हैं, आपका जो बाइक की जो हेडलाइट है वो चल रही है इंजन के कारण पे, लेकिन आगे अब नॉर्मल कहीं पे अंधेरा ज़्यादा आ गया है तो आपको वहाँ पर वक्ती तौर पे ज़्यादा चाहिए रोशनी, ठीक है। तो आपने जस्ट इसको ज़ोर से प्रेस करना है तो होगा क्या कि आपकी जो हेडलाइट है ये इंजन के कारण के बजाय कन्वर्ट हो जाएगी ये बैटरी कारण पे, यानी कि ये बटन दबाने पर रोशनी ज़्यादा हो जाएगी। जैसे ही आपने वो अंधेरे वाला जो पार्ट है वो आपने क्रॉस कर दिया, फिर दोबारा आपने इसको ऑफ कर देना है, आपकी जो बाइक होगी वो दोबारा इंजन कारण पे, बाइक की जो हेडलाइट है वो इंजन कारण पे कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखिए टिक की आवाज़ आ रही है ना, इस तरीके से आपकी जो बाइक की हेडलाइट है वो कन्वर्ट होगी इंजन कारण से बैटरी पर, और ये ऐसे हल्का का प्रेस करने पर आपका डिपर चलेगा, ठीक है। आपने इस तरीके से करना है आपका डिपर चलेगा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो मॉडिफिकेशन है वो यहाँ पर मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। दो क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, क्या ये जो बल्ब है ये सड़ जाएगा बैटरी कारण पर चलाने से लगातार, एक क्वेश्चन लोगों के जेहन में ये आएगा, और दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि क्या इससे जो बैटरी है वो लो नहीं हो जाएगी। तो ये दोनों क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके बड़े अच्छे तरीके से क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर है ये स्टैनले कंपनी का बल्ब, ये एटलस होंडा की जेन्युइन बाइक्स पर लगी हुई आती है। कौन सी बाइक्स? होंडा CD70, CG125, CG125 स्पेशल एडिशन, ये तीनों बाइक्स में लग के आते हैं ये वाला बल्ब, ठीक है, इस हेडलाइट में, यानी कि होंडा की कंपनी की तरफ से आता है। और ये बल्ब आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, अगर आपने कहीं से लेना है शोरूम से होंडा से तो आपको 120 रुपये का इजी जो है वो मिल जाता है। सिर्फ इस बल्ब की मैं यहाँ पर गारंटी लेने वाला हूँ कि ये जो बल्ब है ये सड़ेगा बिल्कुल भी नहीं। बैटरी की तरफ हम आते हैं बाद में, पहले हम बात करते हैं कि सड़ेगा क्यों नहीं। देखिए फ्रेंड्स, होंडा CD70, होंडा CG125 और होंडा CG125 स्पेशल एडिशन जो कि SC वाला मॉडल है, तीनों में ये बल्ब लगा हुआ आता है। अब होंडा CD70 और होंडा CG125 जो नॉर्मल वाले हैं उनमें ये इसका जो कनेक्शन होता है ये होता है इंजन कारण के साथ, रेस देने पर ज़्यादा, रेस छोड़ने पर काम। लेकिन जो तीसरी बाइक है ना होंडा CG125 स्पेशल एडिशन, उसमें यही बल्ब लगा हुआ आता है लेकिन इसका कनेक्शन होता है बैटरी के साथ। इट्स मीन के ये जब होंडा वालों ने इस बाइक में जो कि स्पेशल एडिशन वाली बाइक है इसमें ये लगा दिए, इसको इसी बल्ब को काट दिया है बैटरी के साथ, तो इट्स मीन कि ये जो बल्ब है ये सड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे होंडा CG125 बुती है जो कि स्पेशल एडिशन वाली है उसमें यह बल्ब लगा हुआ आता है और ये इतने साल चलता है और ये बैटरी पर काम कर रहा है, ठीक है। तो चूंकि तीनों बाइक्स में यूज़ होता है तो ये बिल्कुल भी सड़ेगा नहीं, ये क्वेश्चन अब क्लियर हो गया। अब कंपनी अगर होंडा CG125 जो कि स्पेशल एडिशन वाला है उसमें अगर इसको बैटरी के साथ रखती है तो होंडा CD70 और होंडा CG125 के लिए क्यों नहीं रखती जो कि नॉर्मल एडिशन वाला है इसी बल्ब को, जबकि बल्ब तो यही है, ये सड़ने तो है नहीं। तो चूंकि होंडा CG125 स्पेशल एडिशन जो कि मॉडल है उसमें बैटरी बहुत बड़ी यूज़ होती है, ठीक है, इसलिए कंपनी इसको इस बाइक के लिए रखती थी बैटरी पर, जबकि बाकी होंडा CG125 जो कि सिंपल वाला एडिशन है और होंडा CD70 इन दोनों बाइक्स में जो बैटरी है वो बहुत छोटी यूज़ होती है, तो इसलिए कंपनी इसको इंजन कारण रखती है ताकि, क्योंकि बल्ब तो सड़ेगा नहीं बैटरी पर रखने से, लेकिन बैटरी जो है वो थोड़ी वीक हो जाती है। अब हमने इसको होंडा CD70 या CG125 नॉर्मल मॉडल है उसमें हमने इसको रखना है बैटरी के साथ ये बटन दबाने में वक्ती तौर पर, ठीक है, जब अंधेरा है आपने वहाँ पर कहीं देख लिया थोड़ी देर के लिए, तो क्या उससे बैटरी ख़राब नहीं होगी, यानी कि बैटरी लो नहीं होगी। तो बिल्कुल ऐसा होगा अगर आप उसको 25 मिनट के लिए आधा घंटे के लिए रखते हैं ना इसको इंजन करंट पे, सॉरी इंजन से हटाकर बैटरी करंट पे 25 मिनट या आधा घंटे के लिए, तब आपकी जो बैटरी है वो लो होना शुरू हो जाएगी। लेकिन आपने इसको 10 मिनट के लिए चलाना है, नॉर्मल आपकी जो बाइक के बटन होगा वो उसमें आप ऑन करेंगे हाई लो करेंगे तो आपकी जो बाइक ये बल्ब है ये हेलमेट में लगा हुआ ये चलेगा इंजन करंट पर, इस दिन में ज़्यादा रेस छोड़ने पर काम। लेकिन वक्ती तौर पर हमने इसको जस्ट 10 मिनट के लिए कहीं पर आपका अंधेरा आ गया या 5 मिनट के लिए आपने इसको जोर से दबाना है बटन को, जिससे ये इंजन से बैटरी तक कन्वर्ट हो जाएगा और आपको रोशनी ज़्यादा मिलेगी। उसके बाद आप थोड़ी देर बाद 5 मिनट या 10 मिनट बाद आप उसको ऑफ कर देंगे तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा, आप 15 मिनट तक भी चला सकते हैं। बिल फर्ज अगर आपने गलती से आधे घंटे चला दिया इसको इंजन करंट के बजाय ये बटन दबाने पर बैटरी करंट पर, तो क्या होगा आधे घंटे बाद आपकी बाइक की बैटरी थोड़ी लो हो जाएगी, जब आप इसको दोबारा ऑफ करेंगे बटन को
उसके बाद बैटरी जो दोबारा चार्ज होना शुरू हो जाएगी, बैटरी को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये दो जो हम काम करने वाले हैं, डिपर वाले डिपर और जो इसका बैटरी पर ये बटन दबाने चलेगा, ये मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ ये स्टैनली कंपनी के बल्ब की। तो फ्रेंड्स डायोड की तरफ हम आते हैं बाद में, मैं आपको बताऊँगा कि डायोड का काम क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बटन को यहाँ पर बड़ी ही अच्छी जगह पर इंस्टॉल करते हैं, आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। ये देखिए, ये हमारी बाइक की ये रेस है ना, और ये ब्रेक है, तो हमने बिल्कुल यहाँ पर ना ये इस तरीके से लगाना है, यहाँ पर हम लगाना है। लगाना कैसे मैं बताता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर जो इसे लाजेगा ना, तो ये इजिली आप इसको ऐसे डिप कर लेंगे, और अगर आपने इंजन से कन्वर्ट करनी है बैटरी पर वक्त के तौर पर, तो आपने इसको जोर से प्रेस कर देना, ठीक है। और वैसे आपने ये देखिए ऐसे ऐसे आपने इसको डिपर दे देना है, जब भी आपने कहीं जाना है डिपर आपने देना है, आप इस तरीके से यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये देखिए, ये 8 नंबर की टी है, ये आप इससे आपने इसको इस बोल्ट को लूज़ करना है, के बाद इसको यहाँ पर इस तरीके से रख के इसको इसको आगे की तरफ आपने प्रेस करना है। तो ये जब यहाँ पर इस तरीके से स्टक हो जाए, इसके बाद आपने इसको टाइट कर देना अच्छे से, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये लग चुका है। अब इन वायर्स को लेके जाना है आपने हेलमेट में, फिर वहाँ जाकर हम वायरिंग करते हैं इसकी। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो वायर्स है ये दो आ रही है बटन की दो ही वायर होती है, सिंपल बटन होता है, ठीक है। दो वायर्स उसकी आ रही हैं, और हमारी बाइक में बिल्कुल जेन्युइन ये वायरिंग हुई हुई है, ठीक है। ये देखिए हमारी हेडलाइट है, इसकी ये वायर्स आ रही हैं। हमने ये जो इसका हाई वाला पॉइंट है, इसका हमने फंक्शन रखना है। ये जो बटन आ रहा है, इसमें से पहले आप कोई भी एक वायर, ये दो वायर आ रही है ना बटन की, इसमें से कोई भी एक वायर, ये हो जाए ये हो जाए, मैं इसको रख लेता हूँ, इसको आपने ज्वाइंट कर देना है आपके बाइक के किसी भी ब्लैक कलर के क्लिप के अंदर। मेरा ये वाला ब्लैक कलर क्लिप है, यहाँ पर आप अटैच कर देना है, जैसे मैं कलर कर रहा हूँ वैसे वैसे आप करता रहना है। बटन की कोई भी एक वायर तो आपने सिंपली बगैर सोचे समझे आपने कनेक्ट कर देनी है ये ब्लैक कलर के क्लिप के अंदर, ठीक है। तो फ्रेंड ये तो कन्फर्म हो गया ना कि ये एक बटन के वायर आपने लगा देनी है ब्लैक कलर के क्लिप के अंदर। अब दूसरी जो है ना, ये बहुत सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ, मतलब आपको डिटेल में ही बताऊंगा। हमने ये ब्लू कलर की होती है हेडलाइट की, हमेशा हाई के साथ, ठीक है। हम इसके साथ कनेक्ट अगर डायरेक्ट करेंगे ना, तो प्रॉब्लम बहुत आएगी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर हम इसको डायरेक्ट इस तरीके से लगाते हैं ना, तो जो हमने बटन एक्स्ट्रा रात के टाइम आपने जो अपनी हेलमेट है वो आपने ऑन की हुई है इंजन के कांड पे, आपकी बैकलाइट भी जा रही है, आपकी हेलमेट भी जा रही है, आपकी मिडिल लाइट भी जा रही है इंजन कांड पे। अब जैसे ही जो आपने बटन एक्स्ट्रा लगाया ना, उससे आप अगर डिप करते हैं या अगर आप उसको वैसे बैटरी पर ऑन करते हैं, तो उससे हेलमेट तो आपकी ये इसको ऐसे लगाने से आपने बटन ऑन किया, तो आपकी जो हेलमेट है वो इंजन से कन्वर्ट हो जाएगी बैटरी कांड पे, और इससे करने से डिप भी करेगी, लेकिन फिर वो हेलमेट के साथ साथ मीटर की लाइट भी करेगी डिप और बैक लाइट भी करेगी। तो उसको रोकने के लिए करंट हमारा रिवर्स ना जाए, हमने यहाँ पर एक डायोड लगाना है, इसको हमने इस तरीके से उतार लेना है, इसको हमने यहाँ पर कनेक्ट करना है, और इन दोनों के बीच में ना हमने लगाना है डायोड। पहले आप इसको सिंपली कनेक्ट कर ले इस तरीके से बटन की दूसरी बार को, हेड लाइट की ये ब्लू कलर की जो कि हाई का होता है वायर होती है, इसके साथ आपने कनेक्ट कर देनी है इस तरीके से। और अब कहाँ गई, इसके बीच में हमें डायोड लगाना है, डायोड को लगाना है ताकि हमारा करंट यहाँ से बैक रिवर्स ना जाए, ठीक है। बैक जाएगा तो इससे हमारा होगा क्या कि ब्राउन कलर के बारे में करंट आएगा, जिससे हमारी बैक लाइट भी डिप करेगी वो बटन दबाने पर, और मीटर लाइट भी करेगी, वो हमने फंक्शन करना नहीं है। उसके लिए आपको यहाँ पर 10-20 रुपये का एक आता है डायोड, वो आपको लगाना पड़ेगा। अब डायोड यहाँ पर मेरे पास है थोड़ा पुराना, बहुत अच्छा मैं यूज़ कर रहा हूँ, आपके पास होगा यहाँ पर नया होगा ना, तो उससे होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। जब आप डायोड लेंगे ना, तो नया डायोड लेंगे तो उसके एक साइड पर, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, इसका तो मिट चुका है लेकिन फिर भी ये दो साइड है ना, एक साइड पर यहाँ पर इस तरीके से ना पूरा यहाँ पर वाइट कलर की यहाँ पर निशान लगा होगा, यानी कि पूरी सिंगल लाइन जा रही होगी वाइट कलर की। उसका मतलब ये था कि यहाँ से करंट वापस नहीं जाएगा, यहाँ से करंट आ सकता है, मेरा ये मिटा हुआ है। आपकी एक साइड पर आप नया लेंगे ना, एक साइड पर इस तरीके से आपका लाइन लगी होगी और एक साइड आपकी प्लेन होगी। जिस साइड पर लाइन लगी होगी ना, मुझे पता है इसकी इस साइड पर लाइन लगी हुई है, क्यों, क्योंकि मैंने देख लिया हुआ है। लेकिन जब नया होता है ना, उसके ऊपर यहाँ पर लाइन लगी हुई है। अब लेट्स सपोज आपकी इस साइड पर लाइन लगी हुई है, इस साइड से प्लेन है, इस साइड पर लाइन लगी हुई है, मैं आपको साइड पे स्क्रीनशॉट भी शो कर देता हूँ कि किस तरीके की लाइन होती है। अब जो ये लाइन वाला हिस्सा है ना, ये आपने लगा देना है इस साइड पर, गौर से देखते जाएगा, आपको अच्छे से दबाव भी सुनाऊंगा। ये था हिस्सा लाइन वाला, निशान वाला, और ये वाला हिस्सा निशान वाला नहीं है, इस साइड वाला। तो इस साइड वाला आपने यहाँ पर ऐसे कर देना, आपका यहाँ पर काम खत्म। अब इससे क्या होगा कि जैसे आप वो डिपर वाले बटन लगाया, आप डिप करेगा ना इस तरह, तो करंट सिर्फ इस हेडलाइट में जाएगा, यहाँ से क्योंकि डायोड लगा, यहाँ से करंट वापस नहीं जाएगा, जिससे आपकी बैक लाइट है और मीटर लाइट वो डिप नहीं करेगी। अब यहाँ पर होगा क्या कि जैसे आप हेडलाइट अपने ऑन करते हैं ना, ये फंक्शन करने के बाद हेडलाइट आपने ऑन की, इंजन पर चलेगी हेडलाइट, बैक लाइट और
मिडल ग्लाइड। लेकिन जैसे आप जो बटन है ना वो वाला प्रेस, जो हमने एक्स्ट्रा लगाया वो प्रेस करेंगे ना डिपर के लिए, तो जस्ट आपकी जो ये है ना हेलमेट, ये आपकी डिप करेगी, बैक लाइट नहीं करेगी। अगर आप इसको बीच में नहीं लगाएंगे तो फिर बैक लाइट भी डिप करेगी और मिडल ग्लाइड भी डिप करेगी। तो इसीलिए फिर से बता रहा हूँ कि एक साइड पर लाइन होती है और एक साइड पर लाइन नहीं होती। जो लाइन वाली साइड है ना वो आपने इसके साथ जोड़ देनी है, जो ये दो आ रही है ठीक है, हेलमेट की और ये बटन की दूसरी वायर, और जिसके साथ जिस तरफ लाइन नहीं होनी वो आपने ब्लू में जोड़ देनी है। बस हमारे यहाँ पर काम इतना ही है, हमारा काम यहाँ पर खत्म हो गया है। अब मैं यहाँ पर इसको चला के चेक कर लेता हूँ, इसको टेपिंग करनी है आपने अच्छे से। अगर आपको समझ नहीं लगी ना तो मैंने आपको जस्ट बताया कि आठ वायर, एक बटन की दो वायर थी, एक वायर को जोड़ दिया आपने ब्लैक कलर की क्लिप के अंदर, दूसरी वायर को आपने जोड़ दिया ये ब्लू कलर की जो आपके है हेलेड की जो आ रही, इसके साथ जोड़ दिया आपने। और जो डायोड है ना, डायोड की एक साइड होनी है वाइट कलर का निशान लगाना ऊपर, वो आपने जोड़ देनी है इन्हीं के साथ, इस गुच्छे के साथ, और दूसरी जो बगैर लाइन वाली साइड होनी वो आपने ब्लू के साथ जोड़ देनी है। ये बहुत सिंपल है, आप करके देखिए। अगर हम ये ना लगाएं तो फिर प्रॉब्लम आती है कि बैक लाइट और मीटर की लाइट भी डिप करती है, ठीक है, फिर वो प्रॉब्लम काफ़ी आती है। तो ये देखिए, अब मैं स्विच को मैंने ऑन किया है, ये हमारी है बाइक की हेडलाइट। अब ये देखिए, जैसे ऊपर हमारा बटन है ना इस साइड पर जो लगाया हमने, मैं उसको इस तरीके से करता हूँ, ये देखिए, एकदम हमने ऐसे डिप किया, ऐसे हल्का दरवाजा डिप हुआ, सिर्फ हेडलाइट हुई, बैक लाइट नहीं डिप नहीं हुई ना मीटर की लाइट हुई है, ठीक है। ये हल्का प्रेस किया तो इस तरीके से, और मैं जोर से प्रेस करता हूँ तो ये बात आएगी टिक्की, तो इस तरीके से बैटरी पर ऑन हो जाएगी, ठीक है। अब मैं बंद करता हूँ इसको, हम सारे फंक्शन देखते हैं कि काम कैसे करेगी, कि ये इंजन पर कैसे चलेगी, बैटरी पर कैसे चलेगी और फिर डिप कैसे करेगी। बस मैं इसको करता हूँ टेपिंग, और मैंने कुछ भी नहीं करना इस पूरे चीज़ को, मैंने करना टेपिंग अच्छे से, किसी भी वायर नंगी ना रहे। इसको मैं टेपिंग करके हेलमेट को करता हूँ बंद, उसके बाद हम इसका कनेक्शन जो चेक करते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए, बाइक को मैंने स्टार्ट किया हुआ है ठीक है, जैसे मैं हेलमेट ऑन करता हूँ ये देखिए चल रही है इंजन कांड पे। अब जैसे जैसे देखिए डिपर मारूंगा ठीक है, और अगर मैंने ऑन करनी है इसको बैटरी पर, तो ये देखिए ठीक है, दोबारा हम ऑफ भी कर सकते हैं ये इस तरीके से, ये डिप बजेगा ठीक है, डिप पर ये देखिए। तो फ्रेंड मैं आपको दोबारा चाहता हूँ, ये देखिए बटन है ना, तो ये आपने अगर डिपर करना है इसको, तो आपने हल्का सा, अच्छा नॉर्मल जो आपके हेलमेट है वो तो आपको चलती रहेगी इंजन कांड पे, जैसे आप ऑन ऑफ करते हैं, हाई लो करते हैं, वो तो होगी। आप ये देखिए इस तरीके से मैं करता हूँ, इसको डिपर चलेगा हल्का हल्का ठीक है, ये डिपर, ये डिपर। और अगर आपने इसको थोड़ी देर के लिए ऑन करनी है, यानी कि कहीं पर अंधेरा आ गया, तो आपने इसको टिक्की बजाएगी, तो आपने इसको ऐसे ऑन कर देना है ठीक है, 10 मिनट हो गए फिर ठीक है, ठीक है। आपने फिर दोबारा इसको ऐसे ऑफ कर देना है, नॉर्मल इंजन कंट पर चलती रहेगी लाइट, आपने इस तरीके से डिपर मारना है तो आप मार सकते हैं ठीक है। ये बहुत ही काम की यहाँ पर ट्रिक होने वाली है, होगी हुई है। तो बस फ्रेंड यही थी आज की वीडियो, मेरा नाम है तैयब अज़ीज़, आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।